हल्द्वानी में वन्य जीव सप्ताह मनाते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने वन्य जीव की सुरक्षा और आबादी से सटे जंगलों में वन्य जीवों में फैल रही बीमारी से निपटने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा जंगलों में गश्त करने और वन जीव की सुरक्षा के लिए WWF संस्था द्वारा हल्द्वानी के 3 डिवीजनों को 3 ट्रैक्टर समेत समर्पित किए गए। आपको बता दें, गुजरात के गिर में लगातार हो रहे शेरों की मौत को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने चिंता जताई है और सभी वन कर्मियों को सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा जंगल से सटे आबादी के आसपास रह रहे कुत्तों को वैक्सीन लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर में वन्यजीव सप्ताह का जो है मनाया जाता है यहाँ पे। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जनमानस में वन्यजीवों के प्रति एक भावना बनी रहे वहाँ पे सुरक्षा की उनके लिए, और साथ ही में जो वन विभाग के कर्मी हैं उनके लिए भी जो है एक उनका दायित्व है उनको सुरक्षा करने का, तो उसका भी दायित्वों को उनको याद दिलाए। तो इसके इस उद्देश्य के दृष्टिगत वेस्टर्न सर्कल द्वारा यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम कराए गए, जिसमें पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम था कि जो कैनाइन डिस्टेंपर एक डिसीज होती है जो टाइगर्स लेपर्ड्स में पाई जाती है, बिग कैट्स में मिलती है वहां पे, तो उसका कैनाइन डिस्टेंपर प्रिवेंशन डिसीज प्रिवेंशन ड्राइव जो है हम लोगों ने पहली बार यहां पे स्टार्ट किया है उत्तराखंड में। वन्य जीव सुरक्षा का दायित्व है और सुदृढ़ है, इसके लिए ये कार्यक्रम का जो है फील्ड लेवल पे ग्राउंड जीरो पे हमने कार्यक्रम किया है।